हरियाणा के नूह में तशद्दुद के दौरान गुड़गांव के सेक्टर 67 में भी तशद्दुद भड़का और इस दौरान यहां बुजुर्ग कल्लू मियां की रजाई, कंबल और तकिए की दुकान को शरपसंदों ने आग लगा दी थी। उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब समाजी कारकुन और एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने आगे आकर उनकी मदद की और उन्हें एक नई दुकान खोलकर तोहफे में दी है। उनके इस कदम की समाज के हर गोशे से काफी तारीफ की जा रही है। मेरे साथ कल्लू जी हैं, कल्लू मियाँ हैं, जिनकी आपने वीडियो भी देखी होगी पिछली, जिसमें इनकी पूरी दुकान को जला दिया गया। वो आपको वो भी हम दिखाते हैं। और जब इनकी पूरी दुकान जला दी गई, मैंने सोशल मीडिया पे जब ये देखा और मुझे लगा कि इतने बुज़ुर्ग हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं गाँव में छोड़कर सब कुछ अपना यहाँ पर दुकान चलाने, ताकि दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सकें, और उसके बाद भी इनके साथ ऐसा हुआ। आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, मैं बहुत परेशान हो गया। कई दिन हो गए मेरी दुकान जलाए हुए। इस वक्त तो मैं घर से बेघर चल गया हूँ, क्या करूँगा। तो कल्लू जी, हमने आपसे जैसे फ़ोन पे बात की और मैंने आपको कहा कि आपकी दुकान जल गई, वो बिल्कुल पास में ही थी और एक ये दुकान हमें मिल रही थी। हमने कल्लू जी को आश्वासन दिया आपके साथ फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं खुद एक दूसरे संप्रदाय से हूँ, हिंदू संप्रदाय से, और खुल के कहती हूँ कि हिंदू संप्रदाय में कभी कोई ऐसी बात नहीं सिखाई गई है कि दूसरों का घर तोड़ो। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। और हिंदू जो सभ्यता है, जो हिंदू रिलीजन है हमारा, बहुत अच्छा, और वो कहता है कि दूसरे धर्म की रक्षा करनी है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और इसीलिए अपने धर्म को निभाते हुए मैं चाहती हूँ मैं आपकी मदद करूँ। और ये दुकान मैंने आपको इसीलिए बोला, मैं आपको दिलाऊँगी, और आज से आप काम शुरू करेंगे अपना। और हम देखना चाहते हैं ये दुकान जो हमने, आप हमें लेके चलिए और फिर से अपना नया जीवन शुरू करिए। और बेझिझक रहिए, बेडर रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, और आपकी और मदद करेंगे हम। चलिए आज आप दुकान का हम उद्घाटन करते हैं। हमने नारियल नहीं लाए, नहीं तो हम नारियल नहीं खोलेंगे। ना ये दुकान खुल गई है जी, ये कल्लू जी का सामान फिर से। हाँ। कल्लू जी की जिंदगी वापस से नॉर्मल होएगी। कल्लू जी आप आइए इधर और समझ लीजिए, आप सभी का सपोर्ट कल्लू जी को और चाहिए। इसके लिए हम कल्लू जी के अकाउंट डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे डायरेक्ट, ताकि आप इनकी और मदद कर सकें, ताकि ये फिर से अपना जीवन वैसे ही शुरू कर सकें जो इनका इस दंगों से पहले था। और मेरा फिर से ये आप सभी को पैगाम है कि हम होंगे कामयाब, एक दिन होगी शांति चारों ओर एक दिन, और कल्लू जी जैसे और भी जो प्रताड़ित हैं, हम सबको मदद करने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल कल्लू जी को ये दुकान हमने लेके दी है, और हम चाहते हैं कि उनको आगे सपोर्ट आप इनके अकाउंट में डायरेक्ट कीजिए, और ताकि ये फिर से अपना भरण पोषण शुरू कर सकें।